इतिहास में अगर हम जब भी बात करते हैं विद्रोह की, तो मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि कुछ क्रांतिकारी पुरुष कुछ अच्छे कार्य या ह्यूमैनिटी के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर चुके हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज मैं आपके लिए इतिहास के कुछ ऐसे विद्रोह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आम आदमी लोग एक ऐसी परंपरा के समर्थन में थे जो शायद गलत था, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की। आपको बता दूं कि बस्तर में छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक जनजाति पाए जाते हैं। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब 1842 की बात है, जब बस्तर क्षेत्र में भोपाल देव शासक, जो कि बस्तर काकतीय वंश या तो फिर चालुक्य वंश के वंशज थे, और ये शासक अंग्रेजों तथा मराठा के अधीन कार्य करते थे। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक मंदिर है जिसका नाम दंतेश्वरी मंदिर है, और इसी मंदिर में माता दंतेश्वरी के अलावा दो अन्य देवताओं का भी पूजा होता था। इसमें हर साल देवता को खुश करने के लिए छोटे बच्चों को बलि चढ़ा दिया जाता, और ये सब इसीलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ के आदिवासियों का मानना था कि देवता को बलि चढ़ाने से हमारे गांव में सुख शांति और अच्छे फसल होते हैं। ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही थी। जब ये बात अंग्रेजों को पता चला तो वे आश्चर्य हो गए और ये बात उन्हें गलत लगा। तभी एक जांच के लिए एक अंग्रेज को भेजा गया जिसका नाम मैकफर्सल था। तभी अंग्रेजों के द्वारा इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। जब ये बात वहाँ के आदिवासियों को पता चला तो वहाँ के सारे लोग उस मंदिर की पुजारी और इन सब के नेतृत्व करता जिसका नाम था हिड़मा मांझी, ये सारे लोग अंग्रेज का विरोध करने लगे और इस नरबलि प्रथा को बंद नहीं करेंगे, ऐसा उनका बोलना था। और ये प्रथा को बंद करने का प्रयास पहला नहीं था, इससे पहले भी नागपुर के भोसला शासक के द्वारा कई बार प्रयास किया गया था, अपितु ये असफल रहे। ये विद्रोह 1842 में शुरू हुआ था और आखिरकार 1863 में एक अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाता है। हालांकि इस विद्रोह को दमन करने में असली श्रेय दीवान मामन राव और रायपुर के तहसीलदार शेर सिंह को जाना जाता, क्योंकि स्पेशली इस विद्रोह को रोकने के लिए कैंपबेल ने नियुक्त किया था। और अंत में 21 साल बाद इस प्रथा को बंद किया जाता है। जिस बच्चे को बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाता था, और इसीलिए इस विद्रोह का नाम भी मेरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस मेरिया विद्रोह के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।